दुनिया के हिसाब से। अगर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए हो तो पांचवा कर्म कौन सा? श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म किसको कहते हैं? श्रीमत के ऊपर एक गीता में कहा, अर्जुन ने पूछा, मैं इन सारे परिवार वालों को मारूं और राजा बनूं, मैं भिक्षा मांग के जीऊंगा, बैठ गया। तब श्री कृष्ण ने कहा गीता में, हे अर्जुन, तुम अपने मत से नहीं चल रहे हो, तुम मार नहीं रहे हो, मेरे कहने अनुसार आप कर्म कर रहे हो, तुम पर कोई पाप नहीं है, मैंने कहा, मैं जिम्मेवार हूं। तब बाबा कहते हैं, बच्चे घर से पांव निकलते हो, कोई भी काम करते हो, अगर शिव बाबा को पूछ करके करते हो, बाबा के कमरे में जाके पूछ के करते हो, तो बाबा जिम्मेवार है। अगर देखने में कुछ गलत लगेगा, लेकिन गलत को भी सुलझाएगा, आज नहीं तो कल ठीक कर देगा, क्योंकि बच्चों ने मुझे पूछा था। लेकिन कर्मों के अनुसार फल है, फल मिलेगा, गलत तुरंत बाबा ठीक कर देगा। फिर आधा देखो ये हुआ, अच्छा हुआ। एक मैनेजमेंट में एक उदाहरण बताते हैं किताब में, मैनेजमेंट में आता है पढ़ाने में, क्या आता है, एक भाई प्लेन से जा रहा था, जाना था उसको नौकरी के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, नौकरी लगने वाले थे, तो प्लेन से जाना था, तो जाते हुए टैक्सी करके जा रहा था, तो टैक्सी का टायर पंक्चर, वो पंक्चर निकालो, एक घंटा लेट, तब तक देखा एयरपोर्ट के नजदीक पहुंचा, टायर पंक्चर, क्या करें, कैसे जाऊं, तब तक देखा प्लेन निकल रहा है, अरे आपने मेरा जीवन बिगाड़ दिया, ड्राइवर को बोलने लगा, टैक्सी को लात मारा, क्या करूं, खाली हाथ घर में आया, बैठ गया, देखो मेरा जीवन गया, ये टैक्सी वाले ने ऐसा क्या लेट किया, बैठा बैठा टीवी देखने लगा, टीवी देखते देखते देखा, अरे प्लेन क्रश हो गया, न्यूज आया प्लेन क्रश हो गया, अरे मैं भी इसी प्लेन में जाने वाला था, देखो भगवान ने बचाया, अगर मैं भी उधर जाता था मैं भी खत्म हो जाता, भगवान ने मुझे, तब विश्वास हुआ, पहले भगवान को गाली दिया, ड्राइवर को गाली दिया, है ना, उसने ऐसा किया, भगवान ने मेरे ऐसा जीवन ऐसा किया, 5 मिनट के अंदर घर में आया, बैठा टीवी देखते रह गया, टीवी में देखा ये प्लेन जो अभी गया वो क्रश हो गया, जल गया, सब लोग खत्म, 5 मिनट पहले क्या कहा, 5 मिनट के बाद क्या हुआ। तब बाबा कहता है, बच्चे जो कुछ हो रहा है भगवान को पूछ के करते हो, अगर कुछ हुआ उसमें भी कल्याण, कल कुछ होने वाला था और कुछ हुआ, तो भगवान को नहीं जानते हो, नहीं पूछते हो, तो कर्मों का फल है भोगना पड़ता है। तब कहते हैं श्रीमत पर चलो, श्रीमत भगवत गीता, भगवान ने आके सुनाया, भगवान के मत पर जो करते हो उसको कहते श्रेष्ठ कर्म।